हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एलवीडीटी के पार्ट टू पे, जिसमें आज के टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ एलवीडीटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड अप्लीकेशंस ऑफ एलवीडीटी। मेन फोकस हमारा रहेगा टाइप्स ऑफ एलवीडीटी पे। देखिए, ये जो एलवीडीटी है, इसका ये पार्ट टू है। पार्ट वन में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कुछ टॉपिक्स कवर किए थे, जिसमें कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पर लिंक देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ एलवीडीटी सबसे पहले देखते हैं कि बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल आउटपुट, हमारा आउटपुट जो है वो एसी है या डीसी है, उसके बेसिस पे एलवीडीटी को क्लासिफाई किया जाता है एसी एलवीडीटी और डीसी एलवीडीटी में। इसके अलावा एलवीडीटी का जो कोर रहता है, यानी आर्मेचर, उसको अगर हम मूव करते हैं तो उसके बेसिस पे भी उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्मेचर टाइप एलवीडीटी को हम क्लासिफाई करते हैं, अनगाइडेड आर्मेचर एलवीडीटी, कैप्टिव आर्मेचर एलवीडीटी और स्प्रिंग आर एक्सटेंडेड आर्मेचर एलवीडीटी में। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये वाले टाइप्स देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आर्मेचर टाइप। देखिए, सबसे पहले है अनगाइडेड आर्मेचर। अनगाइडेड जैसे कि इसका नाम है, इसको कोई भी गाइड नहीं है, यानी ये कहीं पे भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये देखिए, ये जो आर्मेचर है ब्लैक कलर से यहाँ पर इंडिकेट किया है, ये हम इसके अंदर फ्रीली मूव होता है। तो आर्मेचर फीड्स लूजली, ये फ्रीली मूव हो सकता है। यहाँ पर ये जो है आर्म है, और इस आर्म को जनरली हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये जो आर्म है इसको हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो आर्मेचर मस्ट बी अटैच टू द स्पेसिमन, यहाँ पर ये स्पेसिमन है, और बॉडी मस्ट बी सेपरेटली सपोर्टेड एंड प्रॉपरली अलाइन। ये जो रिमेनिंग बॉडी रहेगी एलवीडीटी की, इसको सेपरेटली अटैच किया जाता है और प्रॉपरली अलाइन किया जाएगा, क्योंकि अगर ये अलाइन नहीं रहेगा तो यहाँ पर मिस अलाइनमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो अनगाइडेड आर्मेचर रहेगा, यहाँ पर इसमें ये अंदर पैरेलली मूव होता है, और इसमें आर्मेचर इज, यहाँ पर हम जो आर्मेचर है ये कम्प्लीटली एलवीडीटी बॉडी से डिसकनेक्ट रहता है, क्योंकि इसमें बीच में कहीं पे भी उनका कांटेक्ट नहीं रहता है। अब कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए दूसरा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर वियर टियर कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैकेनिकल फ्रिक्शन ही नहीं है। तो यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर ये जो पार्ट है ये यहाँ पर घिसेगा नहीं। एलवीडीटी है प्रैक्टिकली इनफाइनाइट मैकेनिकल लाइफ। अगर कहीं पे भी इसका फ्रिक्शन नहीं होता है तो इसकी मैकेनिकल लाइफ जो है प्रैक्टिकली इनफाइनाइट रह सकती है, और इसके साथ साथ इसका रिजोल्यूशन भी जो है वो इनफाइनाइट है, क्योंकि हम अपने मुताबिक इसको मूव कर सकते हैं। ये हो गया आर्मेचर, अनगाइडेड आर्मेचर टाइप। नेक्स्ट जो है ये है कैप्टिव आर्मेचर टाइप। ये अनगाइडेड आर्मेचर जैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर देखिए बेयरिंग असेंबली यहाँ पर कनेक्ट की है। छोटे छोटे जो मेटल बॉल्स रहेंगे अंदर यहाँ पर रहेंगे, जो कि सपोर्ट देगी आर्मेचर को। अब यहाँ पर आर्मेचर को सपोर्ट है, इसके अलावा ये मेजर्ड ऑब्जेक्ट है। बाकी इसका जो ओवरऑल डिस्क्रिप्शन है ये सेम रहेगा अनगाइडेड आर्मेचर में। यहाँ देखिए, बॉडी अटैच करनी चाहिए, आर्मेचर भी अटैच करना चाहिए, वही डिस्क्रिप्शन दिया है। सिर्फ यहाँ पर ये वाला लो फ्रिक्शन असेंबली, यानी बेयरिंग्स असेंबली यहाँ पर अटैच की हुई है। ये जो कैप्टिव आर्मेचर टाइप का एलवीडीटी है, इसको जनरली यूज़ किया जाता है लॉन्गर डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, क्योंकि एलवीडीटी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको प्लस माइनस 0.5 से लेके प्लस माइनस 18.5 इंचेस के मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। द आर्मेचर इज थ्रेडेड टू अलाउ फ्री मूवमेंट अक्रॉस द मशीन बेयरी। तो यहाँ पर बेयरिंग्स इस्तेमाल की जाती है, जो कि फ्री मूवमेंट उसका अलाउ करती है। एडवांटेजेस ये है कि ये इसका क्या है, बेटर फॉर लॉन्गर वर्किंग रेंजेस, वर्किंग रेंज इंक्रीज हो जाता है, और प्रीफर्ड वेन मिस अलाइनमेंट में ऑकर। तो यहाँ पर मिस अलाइनमेंट के चांसेस भी कम रहेंगे, क्योंकि अंदर बेयरिंग्स असेंबली वहाँ पर प्रोवाइड की है। तो ये है कैप्टिव आर्मेचर। नेक्स्ट जो है ये है स्प्रिंग एक्सटेंडेड आर्मेचर। डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ये बेयरिंग्स के बॉल्स भी है, और इसके अलावा
ये एक स्प्रिंग जो है ये भी प्रोवाइड किया है, इसको हम मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, फिर इसका जो एक्सटेंशन रहेगा तब तक इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंस और ये है कि प्रीवियसली हम अनगाइडेड टाइप में इसको यानी आर्मेचर और बॉडी का पार्ट जो है वो मुंह निकाल सकते थे, सेपरेट कर सकते थे, इस केस में हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ये जो स्प्रिंग एक्सटेंडेड आर्मेचर टाइप का एलवीडीटी रहता है, इसका जो नाम है ये है कैप्टिव गाइडेड स्प्रिंग रिटर्न टाइप, ठीक है। तो इसको दूसरा नाम भी है कैप्टिव गाइडेड स्प्रिंग रिटर्न टाइप एलवीडीटी। इट इज़ मेड फॉर मेजरिंग मल्टीपल टारगेट्स फॉर द टारगेट दैट मूव्स ट्रांसवर्स टू द आर्मेचर। ये मल्टीपल टारगेट मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें इंटरनल स्प्रिंग मेक्स द कॉन्टैक्ट विद द टारगेट सरफेस टू मेजर द सरफेस डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर सरफेस डिस्प्लेसमेंट, स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट जितना है उतना रहेगा, और उसको हम इसलिए सरफेस मेजरमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गया स्प्रिंग एक्सटेंडेड आर्मेचर टाइप का एलवीडीटी। अब जो आउटपुट पावर के बेसिस पे एलवीडीटी क्लासिफाई करते थे, एसी एलवीडीटी और डीसी एलवीडीटी देखेंगे। पहला है हमारा एसी एलवीडीटी, जिसमें एसी इनपुट और एसी आउटपुट ही रहता है। ये जो एसी एलवीडीटी है, इसका एडवांटेज ये रहता है कि इसमें हैव बेटर शॉक एंड वाइब्रेशन रेजिस्टेंस, शॉक और वाइब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छा रहता है। इसके अलावा एसी एलवीडीटी का जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये भी बहुत हाई है, दैट इज़ टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन ऑल्सो वर्क विथ रिमोटली लोकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको बाहर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा के भी वर्क करवा सकते हैं। देन ये जो एलवीडीटी रहेगा, इसकी कॉस्ट कम रहती है, और इसको सिग्नल कंडीशनिंग के लिए एक्सटर्नल सर्किट की ज़रूरत रहेगी। देखिए यहाँ पर अगर मुझे आउटपुट तक कनेक्ट करना है, तो ये जो लीड वायर्स रहेंगे इसको किसी सिग्नल कंडीशनर के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एलवीडीटी में कुछ आउटपुट जो है इसमें कुछ नॉइस रह सकता है, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे कुछ एक्सटर्नल सर्किटरी की ज़रूरत रहेगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के एलवीडीटी की तरफ, जो है डीसी एलवीडीटी, जिसमें एसी पावर इनपुट रहेगा लेकिन आउटपुट जो रहता है वो डीसी रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एलवीडीटी पे ही सिग्नल कंडीशनिंग इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया जाता है। ये देखिए इस तरह से पूरा एसी एलवीडीटी जैसा है वैसा है, सिर्फ आउटपुट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को दिया जाएगा, ये सिग्नल कंडीशनिंग करेगा, एसी टू डीसी कन्वर्शन करेगा, साथ में उसको अगर रिक्वायरमेंट है तो डिजिटल में भी कन्वर्ट कर सकता है। इसका जो टेम्परेचर रेंज है ये कम हो जाता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी की टेम्परेचर रेंज लिमिटेशन यहाँ पर रहेगा, इसीलिए ओवरऑल यहाँ पर टेम्परेचर रेंज कम हो जाती है। बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलिमिनेट्स द वॉल्यूम वेट एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल एसी एक्साइटेशन इक्विपमेंट। तो जो बाहर से एक्साइटेशन इक्विपमेंट लग रहा था उसकी कोई ज़रूरत इस केस में नहीं रहती है। दिस कैन सेंड डिजिटल आउटपुट्स डायरेक्टली टू कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर को आउटपुट हमें भेजना है तो भी डीसी एलवीडीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव एंड कैन वर्क जस्ट वेल इन मोस्ट एनवायरमेंट। सिर्फ टेम्परेचर रेंज का एक प्रॉब्लम छोड़ दिया जाए तो ये ओवरऑल इवन दो कॉस्ट इसकी ज़्यादा है, फिर भी मेंटेनेंस और ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ये बेटर है देन दी एसी एलवीडीटी। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ एलवीडीटी। एलवीडीटी जो है ये स्मूथ एंड वाइड रेंज ऑफ ऑपरेशन हमें प्रोवाइड करती है। बाद में ये इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई रहती है, यानी स्मॉल चेंज भी डिस्प्लेसमेंट का रहा तो भी ये आउटपुट में कुछ ना कुछ चेंज हमें प्रोवाइड करके देंगे, फिर हम उसको एम्पलीफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। देन यहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉसेस जो रहते हैं वो भी कम होते हैं। देन लो फ्रिक्शन लॉसेस, हमें पता है कि यहाँ पर जो मूविंग असेंबली है उसमें फ्रिक्शन एक तो नहीं रहेगा जैसे अनगाइडेड टाइप में रहता है, या फिर बेयरिंग असेंबली की वजह से यहाँ पर लो फ्रिक्शन लॉसेस रहेगी। देन
इसका जो ऑपरेशन है ये रगेड ऑपरेशन है, यानी ये बहुत मजबूत रहता है, जो शॉक और वेरिएशन को भी यहाँ पर विस्टैंड करता है। देन लो पावर कंजम्पशन, 1 वैट से भी इसका पावर कंजम्पशन कम रहता है। डायरेक्ट कन्वर्शन टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सिग्नल में यानी वोल्टेजेस और करंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है। देन फास्ट डायनामिक रिस्पॉन्स, यानी इसका जो आउटपुट है ये बहुत जल्दी हमें मिल जाता है। तो ओवरऑल ये है एडवांटेजेस ऑफ LVDT। अब देखते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले तो LVDT एक इंडक्टिव टाइप का ट्रांसड्यूसर है, इसीलिए ये रहेगा सेंसिटिव टू स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रे हो जाता है यानी स्प्रेड हो जाता है, तो उसका इफेक्ट वहाँ पर होगा, ये डिसएडवांटेज है। इट आल्सो गेट्स अफेक्टेड बाय वाइब्रेशन एंड टेम्परेचर वेरिएशन। वाइब्रेशन और टेम्परेचर वेरिएशन से भी इसका आउटपुट अफेक्ट होता है। तो ये है डिसएडवांटेजेस ऑफ LVDT। अब मूव करते हैं मेन टॉपिक, अप्लीकेशंस ऑफ LVDT पे। तो देखिए, LVDT हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट के लिए, पर इसके अलावा फोर्स, टेंशन, प्रेशर, वेट मेजरमेंट के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं बाय यूजिंग प्राइमरी ट्रांसड्यूसर। तो प्राइमरी ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, ये जो क्वांटिटीज़ है इसको डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेगा, और फिर LVDT हम सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करके, LVDT एज ए सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करके इनको डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आखिरी वाला जो एप्लीकेशन है, इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री एज वेल एज अ सर्वो मैकेनिज्म। इसके अलावा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एयरक्राफ्ट, टर्बाइन, सैटेलाइट्स, हाइड्रोलिक्स में भी LVDT का एप्लीकेशन है। तो ये हो गए सभी LVDT के पॉइंट्स। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।